हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए 11 जून 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे 11 जून 2020 के लिए, वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल टारगेटेड जीओवी जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे वॉज ऑब्जर्व, विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया 7 जून 8 जून 9 जून 10 जून। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 9 जून को जो है विश्व प्रत्यायन दिवस बनाया गया था। ये जो डे है दोस्तों वो इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉरपोरेशन ILAC और इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम इनके द्वारा मनाया जाता है। तो ILAC और IAF के द्वारा मनाया जाता है। जो थीम है दोस्तों 2020 के लिए वो है एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, और ये जो थीम है वो IAF और ILAC दोनों ने मिलकर रखी है। और बात करते हैं तो इंडिया में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया था इस वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे पर, जिसमें 2 टेक्निकल सेशन हुए। तो 2 टेक्निकल सेशन में जो पहला टेक्निकल सेशन था वो था रेगुलेटर्स पर्सपेक्टिव ऑन फूड सेफ्टी, और ये जो है वो है किसके द्वारा चेयर किया गया था, डॉक्टर DK असवाल जो कि डायरेक्टर है NPL, चेयरमैन NABL। तो NABL की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो एक तो ये सेशन हुआ था जिसका नाम था रेगुलेटर्स पर्सपेक्टिव ऑन फूड सेफ्टी। जो दूसरा सेशन हुआ था वो था इंडस्ट्रीज पर्सपेक्टिव ऑन फूड सेफ्टी, दूसरा था इंडस्ट्रीज, पहला था रेगुलेटर्स। और ये जो होस्ट किया गया था या चेयर किया गया था बाय श्याम बैंग, चेयरमैन है NABCB और फुल फॉर्म है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। और QCI क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात करें तो चेयरमैन है आदिल जैनुल भाई और सेक्रेटरी जनरल है RP सिंह। ILAC की बात करें तो चेयरमैन बोल सकते हैं AT फेलर, वाइस चेयर है मेयर बेल लोफेज। सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज गिवन ए लोन ऑफ ₹1,950 करोड़ टू विच स्टेट। तो हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को 1950 करोड़ रुपये का ऋण दिया है, केरला, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल को जो है हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। अब ये जो ऋण दिया है ये किस लिए दिया है, एक तो COVID-19 सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और दूसरा डेवलपमेंट वर्क के लिए। अब जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की वो 1950 करोड़ रुपये में से 850 करोड़ रुपये तो स्पेंड करेगी वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम्स, विभिन्न समाज कल्याण स्कीम्स योजनाओं में, और जो बचे हुए 1100 करोड़ रुपए हैं वो स्पेंड किए जाएंगे बिल्डिंग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक अवसंरचना। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, विश्व बैंक के अध्यक्ष है डेविड मालपास। थर्ड क्वेश्चन है, विच डिसइंफेक्टेंट स्प्रे हैज DIAT डिस्कवर्ड टू फाइट COVID-19। तो DIAT ने COVID-19 से लड़ने के लिए किस कीटाणुनाशक स्प्रे की खोज की है, अनंत, अनन्या, अनामिका, अंतिका। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों अनन्या नाम के कीटाणुनाशक स्प्रे की खोज की है। तो DIAT है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने ये अनन्या वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे की खोज की है, जो कि बेस्ड किस पर, नैनो टेक्नोलॉजी असिस्ट प्रोग्राम फॉर्मुलेशन पर बेस्ड है। विच कंट्री हैज सेट अप इट्स फर्स्ट कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज, तो किस देश ने अपना पहला कोयला व्यापार एक्सचेंज स्थापित किया है, चाइना, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंडिया ने जो है वो अपना पहला कोयला व्यापार एक्सचेंज स्थापित किया है। इंडिया जो है दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोयले का, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे है इंडिया। गोइंग सेटअप टू फर्स्ट कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पहला कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सॉरी जिसको नाम दिया गया कोल एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स जो है वो ट्रेड कर सकेंगे कोयले के ऊपर।
कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रमोद अग्रवाल। MHRD एंड फिट इंडिया हैज कोलेबरेटेड टू प्रमोट हाउ मैनी इंडिजीनियस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो MHRD और फिट इंडिया ने भारत के कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाए, कोलेबरेट किया है, 5, 10, 15, 20। तो इसका सही आंसर है 10 भारतीय खेलों को, 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाए। तो 10 खेल कौन कौन से हैं, खो खो, गटका, कलार, पाइटू, मल्लखम, थंगटा, स्क्वे, कबड्डी, रोल बॉल, थग ऑफ वार, शूटिंग बॉल। ये 10 भारतीय गेम हैं जिनको बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया गया। अब देखिए दोस्तों, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो MHRD के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। और फिट इंडिया किसका प्रोग्राम है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री का। तो स्पोर्ट मिनिस्ट्री और MHRD, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फिट इंडिया और MHRD, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने ये कोलेबरेट किया है और किसके अंदर, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर। और इसके तहत ये फिल्म्स बनाएंगे, सीरीज ऑफ स्पेशल फिल्म्स बनाएंगे जो कि 10 भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए मनाई जा रही है। MHRD के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो है रमेश पोखरियाल निशांक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है संजय धोत्रे। फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। ये नेशनल वाइड कैंपेन है ताकि फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल रोबोट कोरोबोट फॉर COVID-19 हॉस्पिटल डेवलप्ड बाय, तो COVID-19 अस्पताल के लिए दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन है प्रतीक आपटे, प्रतीक सिंह, प्रतीक तिरोडकर, प्रतीक मलिक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रतीक तिरोडकर ने ये बनाया है। ये है ये तो है रोबोट और ये है प्रतीक तिरोडकर। तो जो ये 23 साल के हैं प्रतीक तिरोडकर, ये फाउंडर हैं स्टार्टअप PNT सॉल्यूशंस के। PNT सॉल्यूशन कहाँ पर है, डोंबीवाली में PNT सॉल्यूशन है। तो उनके ये इंजीनियर हैं प्रतीक तिरोडकर, इन्होंने ये बनाया है। और ये पहली बार जो है होली क्रॉस हॉस्पिटल कल्याण महाराष्ट्र में तैनात है। कहाँ पर लगाया गया, होली क्रॉस हॉस्पिटल महाराष्ट्र में इसको लगाया गया। महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। गैरसैंण डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल ऑफ विच स्टेट, तो गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आसाम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड ने है जो गैरसैंण को समर कैपिटल घोषित किया गया है, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। तो उत्तराखंड के जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्या, इन्होंने डिक्लेयर किया है बहारीसैंण, या फिर इसी को बोलते हैं गैरसैंण, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, समर कैपिटल डिक्लेयर किया है। देहरादून जो है वो विंटर कैपिटल बनी रहेगी, तो याद रखना है देहरादून विंटर कैपिटल और गैरसैंण है समर कैपिटल। अब देखिए दोस्तों, इन भारत के अंदर दो राजधानी वाला ये दूसरा राज्य बन गया है, तो उत्तराखंड बिकम सेकेंड स्टेट आफ्टर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की भी दो राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। हु हैज ऑनर्ड विथ नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल, नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है। रामवीर कुमार, रविकांत कुमार, रंजीत कुमार, रमेश कुमार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रंजीत कुमार जी को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो जो रंजीत कुमार है ये केरला से और इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि अभी हाल ही में वर्जीनिया में, इनको ऑनर्ड किया गया है नासा का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है उससे, फॉर नॉन गवर्नमेंटल इंडिविजुअल, जो कि ये नॉन गवर्नमेंटल है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ये, प्राइवेट एम्प्लॉय, तो नॉन गवर्नमेंटल के लिए ये दिया गया है अवार्ड। R.K. चेट्टी पंडिपाटी ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको 2002 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये भी हमें याद रखना, R.K. चेट्टी पंडिपाटी पहले थे, दूसरे बन गए हैं रंजीत कुमार। नासा की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर है जेम्स फ्रेडरिक जिम ब्रीडेनस्टाइन, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट। नेम ऑफ द IIT हु डेवलप मोबाइल ऐप फ्लाई जी,
तो आईआईटी का नाम बताना जिसने मोबाइल ऐप फ्लाई जी विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी जोधपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी ने फ्लाई जी ऐप का बनाया है। तो आईआईटी गुवाहाटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये ऐप बनाई है फ्लाई जी। किसके लिए बनाई है? फॉर सीमलेस एंड कॉन्टेक्ट लेस एयर ट्रेवल। सीमलेस एंड कॉन्टेक्ट लेस का मतलब है जो कोरोना वायरस फैल रहा है ताकि उसके अंदर दूरी बनी रहे उसके लिए ये ऐप बनाया गया है। द एम ऑफ मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड कॉन्टेक्ट लेस बोर्डिंग। जो बोर्डिंग कैसी हो? कॉन्टेक्ट लेस हो। कीप इन माइंड द इजियर बैगेज ड्रॉप। बैगेज ड्रॉप भी इजियर हो। मैनेजेबल पार्किंग और बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस हो उसके लिए फ्लाई जी ऐप बनाया गया है। और इस ऐप को जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के नियमों के अनुसार बनाया गया है। तो IATA का जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में और स्थापना हुई है 19 अप्रैल 1945 को। रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री MOU हैज बीन साइंड टू इंक्रीज कॉपरेशन इन द फील्ड। तो भारत और किस देश के बीच हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं? जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डेनमार्क। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी यूटिलिटी एंड क्लाइमेट गवर्नमेंट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क में ये समझौता हुआ है। डेनमार्क की बात करें तो राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा चलती है डेनिश क्रोन। मेघ संदेश ऐप फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन लॉन्च्ड बाय। तो वास्तविक समय की जानकारी के लिए मेघ संदेश ऐप किसने लॉन्च किया? तमिलनाडु ने, केरला ने, कर्नाटका ने, आंध्र प्रदेश ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटका ने लॉन्च किया है। कर्नाटका लॉन्च मेघ संदेश ऐप फॉर रियल टाइम। इसी के साथ उन्होंने वरुण मित्रा पोर्टल भी लॉन्च किया है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑन वेदर, वेदर के ऊपर, मौसम के ऊपर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल सके। कर्नाटका की बात करें तो कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजू भाई वाला। हु अपॉइंटेड एज सीनियर डायरेक्टर फॉर गूगल क्लाउड इंडिया। तो गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल रॉय, अनिल मिश्रा, अनिल वल्लूरी, अनिल आनंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनिल वल्लूरी जी को गूगल क्लाउड ऑफ इंडिया की तरफ से वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये है अनिल वल्लूरी। और अनिल वल्लूरी हैज़ अपॉइंटेड एज द सीनियर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड इन इंडिया। तो दोस्तों कल हमने क्वेश्चन पूछा था नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट हु टॉप्स द टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसका सही आंसर था टेसिनगुआ यूनिवर्सिटी, चाइना पहले नंबर पे ये थी, दूसरे नंबर पे पैकिंग यूनिवर्सिटी थी, तीसरे नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर की थी। और इंडिया के इंस्टीट्यूट की बात करें तो IISc बेंगलोर 36th रैंक पर थी, IIT रोपड़ 47th पे थी। तो ये हमने डिस्कस किया था उस टाइम। आज का क्वेश्चन है नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन हु हैज़ वॉन द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, समीर, मनोज कुमार। तो प्रथम भारतीय का नाम जिसने रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 जीता था। तो दोस्तों ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था, आपको कैसा लगा? आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उसी के ऊपर विचार कीजिए, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचिए, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा और कम समय में सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।